आज का हमारा ये अंक बजरंग बाण के विषय में है। आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, पर इसी के साथ साथ अगर आप बजरंग बाण का भी पाठ करते हैं तो इससे आपको अपार लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आज हम बजरंग बाण के सभी विशेष पहलुओं के बारे में जानेंगे कि कैसे ये पाठ किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, किस बीमारी में, किस अवस्था में ये पाठ करना चाहिए, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। बजरंग बाण एक ऐसा शक्तिशाली उपाय है हनुमान जी का। जैसे आपने हनुमान चालीसा के बारे में तो सुना ही होगा और ज़्यादातर लोगों ने बजरंग बाण के भी बारे में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज हम विशेष रूप से इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के अंक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं जो आज के समय में जीवंत हैं, अर्थात वो आज के समय में धरती पर ही मौजूद हैं, जो भक्तों को सभी प्रकार के दुखों से मुक्त करके उनका भय, उनका डर दूर करते हैं, सभी तरह के रोगों से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं, दुखों से मुक्ति दिलाते हैं, पीड़ाओं से, संकटों से छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते ही हैं, पर साथ ही साथ अगर बजरंग बाण का भी हम पाठ करें तो इससे हमें अपार लाभ प्राप्त हो सकता है। यहाँ मैं आपको विशेष रूप से बजरंग बाण के बारे में आज सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के विषय में बताऊंगी कि ये पाठ कैसे किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, इसको जानना बेहद आवश्यक है। एक एक समस्या के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बजरंग बाण को करना कैसे है, इसका पाठ करते कैसे हैं। तो एक बात सबसे पहले ये समझ लें कि सामान्यतः हनुमान चालीसा और बजरंग बाण में अंतर क्या है। बजरंग बाण हनुमान जी की आराधना करके उनका आशीर्वाद पाने के लिए सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि बजरंग बली भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं। इसलिए बजरंग बाण में मुख्य रूप से भगवान राम की हनुमान जी को सौगंध दी जाती है। अब देखिए, हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहाँ हम बड़े प्यार से हनुमान जी के चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं, उनकी महिमा का हम गुणगान करते हैं। लेकिन बजरंग बाण में हम उन्हें शपथ देते हैं, उन्हें दुहाई देते हैं, और वो भी किन की, उनके आराध्य की, भगवान श्री राम की और माता जानकी की। तो निश्चित रूप से ये हनुमान जी के लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि हम जैसे हनुमान चालीसा हर रोज़ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ हम केवल और केवल विकट परिस्थितियों में ही करते हैं, जब आपकी हनुमान चालीसा से भी बढ़कर आपको सहायता की आवश्यकता हो, तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। मतलब जब आप सचमुच बहुत परेशान हैं तभी, क्योंकि देखिए आप किसी को कसम कब देते हैं, जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही हो तब आप कसम दिलाते हैं। तो यहाँ भी हनुमान जी को उनके प्राणों से भी प्रिय श्री राम जी की कसम दी जा रही है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगर बेताल काल मारी मर, इन्हें मार तो है शपथ राम की, राखनाथ मर्याद नाम की। तो हम कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपको श्री राम जी के नाम की मर्यादा रखनी है, आप इन्हें मारो। जैसे हनुमान चालीसा में हम कहते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ऐसी साधारण भाषा का प्रयोग हम करते हैं हनुमान चालीसा में, परंतु बजरंग बाण में जो भाषा हम प्रयोग कर रहे हैं वो अत्यंत कठिन है, एक चुनौतीपूर्ण भाषा है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर अगर बेताल काल मारी मर, तो अलग अलग प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के हम नाम लेते हैं और कहते हैं कि आप इन्हें मारो, इन नकारात्मक शक्तियों को आप मारो, आपको राम जी की शपथ है। और उसके बाद इसके आगे हम कहते हैं, जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लाओ, उठ उठ चल तो हे राम दुहाई, पाए परो कर जोरी मनाई। अर्थात हम यहाँ श्री हनुमान जी को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए बजरंग बाण अत्यंत शक्तिशाली है। ये बजरंग बाण का उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। ये बजरंग बाण जो मारे ताहे कहो फिर कौन उबारे, मतलब ये ऐसा बाण है जिससे कोई उबार नहीं सकता। ये वो बाण है जिससे नकारात्मक शक्तियों को मारा जाता है, ताकि इससे वो उबर ना पाए, उठ ना पाए, उनका अंत हो जाए। तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बजरंग बाण के पाठ से पहले आपको गणपति जी का वंदन करना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा कहते हुए सबसे पहले आप गणेश जी से प्रार्थना करें कि निर्विघ्न रूप से हमारा ये पाठ हो सके। उसके बाद आप भगवान राम और माता जानकी का ध्यान करें और फिर हनुमान जी को मनन करते हुए, उनका ध्यान करते हुए उनसे आप अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। जो भी आपकी समस्या है, जीवन में जो भी आपकी परेशानी चल रही है, विशेष रूप से अगर कोई नकारात्मक शक्तियों की परेशानी है, जैसे कोई टोना टोटका या फिर तंत्र बाधा, तो वहाँ पर विशेष रूप से बजरंग बाण बहुत ही प्रभावी होता है। और कोई भी जो परेशानियों में या संकटों में घिरा हुआ हो, वो बजरंग बाण का पाठ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। आप बजरंग बाण का संकल्प ले सकते हैं कि 11 दिन का या फिर 21 दिन का मैं प्रतिदिन पाठ करूँगा, और साथ साथ आप अपने हनुमान चालीसा का भी पाठ करते रहें, उसे बंद ना करें, उसे रोके ना। और हो सके तो श्री राम नाम का कीर्तन या फिर श्री राम जय राम का जाप भी हनुमान जी को ज़रूर सुनाएं। उसके बाद आप हनुमान जी से अपनी प्रार्थना करें कि मेरी ये समस्या है, आप इसका मुझे समाधान दें। कम से कम 11 दिनों तक एक क्रमबद्ध तरीके से आपको ये पाठ करना है। अब पाठ कब करना है, तो देखिए, अगर सुबह सुबह आप पाठ कर सकते हैं तो सबसे उत्तम है, और अगर आप सुबह नहीं कर पाते हैं तो जब आपके पास समय हो आप तब ये पाठ कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी अगर आपको बुरे सपने आते हैं या आपको सपने में कोई परेशान करता हो, कोई नकारात्मक शक्ति आपको तंग कर रही हो, तो भी आप सोने से पहले बजरंग बाण का पाठ करके सोएं, आपको उससे लाभ मिलेगा। कोई काम आपका बिल्कुल रुक गया हो, काम बिल्कुल बंद हो गया हो या काम आगे बढ़ नहीं पा रहा हो, तो भी निश्चित रूप से आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, आपको उससे सहायता मिलेगी। तो बजरंग बाण का पाठ अब करना कैसे है, तो बजरंग बाण का पाठ करने के लिए हो सके तो आप सूर्योदय से पहले उठकर, यानी 6 बजे जैसे सूर्योदय हो जाता है तो 5 बजे तक उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का फोटो जो भी आपके पास हो उसे स्थापित करके स्वयं एक आसन पर बैठकर कोशिश करें, अगर आसन लाल हो तो सबसे अच्छा है, कोई काले रंग का या गहरे रंग के आसन का प्रयोग ना करें। और फिर उसके बाद हनुमान जी के सामने एक दिया जलाकर आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। धूप, दीप, फूल जो भी मिल सके आपको, आप वो चढ़ाते हुए हनुमान जी की पूजा करें और फिर आरती कीजिए। हनुमान लला की इस वाली आरती से आप हनुमान जी की आरती करें। अब सबसे ध्यान रखने वाली बात बजरंग बाण के पाठ में ये है कि आपको बजरंग बाण के पाठ में अपने शब्दों का उच्चारण बिल्कुल शुद्ध रखना है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के रूप में आप हनुमान जी को चूरमा लड्डू या कोई भी अन्य मौसमी फल चढ़ाए जा सकते हैं। अब समस्याएं कौन कौन सी हैं जब आप बजरंग बाण का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है जैसे वैवाहिक जीवन में बाधाएं आ रही हों, आपस में कलेश रहता हो, लड़ाई झगड़ा रहता हो, तो आप हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी प्रकार का आपकी कुंडली में ग्रह दोष हो तो उसकी समाप्ति के लिए भी आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जो भी इलाज आप करवा रहे हैं वो आप बेशक करवाते रहें, पर उसी के साथ साथ आप बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए, जैसे कि ऑफिस में या व्यवसाय में अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, लोग आपको काम नहीं करने दे रहे हैं, तो भी आप हनुमान जी से सहायता मांग सकते हैं और इसके लिए आप निश्चित रूप से बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। और विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन तो अवश्य ही आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, और अगर व्रत रख करके करें तो सबसे उत्तम है। वास्तु दोष या मांगलिक दोष, इन सभी दोषों का भी निवारण बजरंग बाण से संभव है। किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हों या आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ गया हो, तो भी आप बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। बजरंग बाण का पाठ आप संकल्प करके 11 बार या 21 बार, जितनी बार भी आप कर सकें, आप करके देखें, आपको निश्चित लाभ होगा। और प्रार्थना करें हनुमान जी से अपनी समस्या के निवारण के लिए, तो हनुमान जी आपकी सहायता अवश्य करेंगे। और अब जानिए कि कब आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना है। तो किसी भी अनैतिक कार्य के लिए या किसी को भी नीचा दिखाने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए या कोई सामान्य बाधा या छोटी मोटी समस्या के निवारण के लिए आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई छोटी मोटी समस्या आई और आप बजरंग बाण का पाठ करने बैठ गए, तो उसके लिए आपको खुद प्रयास करना है। देखिए, बिना परिश्रम के किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें, क्योंकि हनुमान जी जागृत देव हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छिपा है। तो इसलिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महिलाएं अपने मुश्किल दिनों में भी बजरंग बाण का पाठ बिल्कुल ना करें। बजरंग बाण का पाठ जब भी शुरू करें तो कोशिश करें कि मंगलवार से शुरू करें, ये सबसे उत्तम होगा। और अगर किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर रहे हैं तो कम से कम 41 दिन तक आप इसका पाठ ज़रूर करें। दिन में 3 बार या 5 बार या 9 बार या 11 बार, और यदि इतना ना हो सके तो आप केवल 1 बार भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। तो आज का बजरंग बाण पर यह विशेष अंक हम यहीं विराम देते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम राम।